टीटवाना के आदि शक्तिपीठ जोगामंडी धाम राजा भरतरी की तपोस्थली में भगवान शिव शंकर की मूर्ति का अनावरण संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि मूर्ति अनावरण के समय हजारों भक्तों ने मूर्ति अनावरण में सम्मिलित हुए, जिसमें काफी संख्या में टीटवाना के समाज सेवी, राजनेता, भामाशाह सभी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी ने मूर्ति अनावरण में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर जोगामंडी धाम में भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। बाहर से पधारे संतों का सभी ने आशीर्वाद लिया, विश्व शांति की, विश्व की कामना की। आइए देखते हैं पूरी खबर वीडियो के माध्यम से क्या है, आप भी जानिए। जोगामंडी धाम में हुई शिव शंकर की महान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, आप भी जानिए। देखें पूरी खबर वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय मैं क्यों कमी है रे, बोल जोगेश्वर महादेव की जय। वीर बजरंग हर हर महादेव, बोल नाथ जी महाराज की जय। ओम सोम आकाश की पाताल पटी धरती।
उसके मंगलनाथ जी सांसद को कौन खाने के प्राप्त हो रहा है। एक बार मंगलनाथ जी महाराज का जगह लगाएंगे। बोलो मंगलनाथ जी महाराज की। रुको एक बार, रुको बाप जी। दादा राम जी प्रधान दान दान राम गोपाल जी हेलो हेलो मदन जी बला रहा मदन जी बला रहा उम्मीद खा जी हाजी 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 कभी सनातन धर्म ईर्ष्या पैदा नहीं करता, कभी भी दया भाव होता है।
जीवों की सेवा कर रहे हैं। हम सब सनातनी है, दया भाव रखना चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए। और भर्तृ जी महाराज आप सब कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद महाराज जी महाराज बनाए रखे। एक और छोटी सी सूचना आपने सबके बीच में निवेदन करूँ कि आपने महाशिवरात्रि को मेड़ो लागे आए, मेड़ो लागे तो पुरानी टेम के मायने तो सुना, मैं तो ऐसा बचपन में बाप जी गुरु महाराज ले नया सुना कि 84 गांव गवर्नमेंट के नीचे लागी रही और डीडवाना शहर को शासन राजाओं की जय में स्थान के अंदर मार दो। तो बेटे में पुरानी परंपरा आपने गुरु धर्मान ले रहा तो परंपरा आपने चाले रही है। जो पीर शब्द जो लागे ना तो वो कहना था जो मुगल काल के मायने आना तो गुरु लोग हुए एवं चमत्कार दिखाए हुए तो वे अपने पीर गुरु महाराज मान कर वे पीर की पत्रियां ले गया और उठे। जो भी बादशाह को शासन आए तो आज भी एक खत पड़ा हो रहा है वासम ने केड़ा वे भी अभी इस स्थान में मानता आज भी इस स्थान में ढूंढा है। आज भी अपने जोगा मंडी गाती को जो नया महंत बनाया जाए पीर बनाया तो आज भी लोग आ रहे और महाशिवरात्रि को प्रयोग में वे स्वागत भी काजी समाज द्वारा हुए है। तो मेड़ो भव्य भरे थे और सब बढ़िया यात्रा शुभ यात्रा निकले। तो आप सभी को निवेदन है कि मेड़ा के मायने सब सन मन सहयोग करो कि आप स्थान पहली बार टेम के मायने हो जान पाचो जाए। मैं अकेला करूं तो वे बोले और सब को प्रयास नहीं सब बाबा कड़ी कड़ी जुड़ा तो के कड़ी कड़ी जुड़ रही मजबूत सांकल बन जाए। तो भाई बड़ो हाथी हुए ना बिना भी रोक ले भी बहुत बल रहे तो भी भाई भाई वो कड़ी कड़ी जुड़ गई ना तो भाई वो एक सांकल भी बड़ा बड़ा जीवन ने भी काबू कर ले। तो ये वास्ते अपन सब ने कड़ी कड़ी जुड़ जुड़ स्थान ने आज धीरे धीरे सब लोग गुरु महाराज भरत जी महाराज की कृपा हुई तो आज ये स्थान धीरे धीरे नजर में आयो लोग भाव में आयो। तो आप सबको प्रयास होना चाहिए आप और भी दिव्य बने और भव्य बने और पूरा संसार के मायने विज्ञाप करें। मैं आई आई आनंदन करूं और गुरु महाराज 18 तारीख को महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा 8 बजे अभी प्रारंभ है और नगर में भ्रमण कर एक बार श्याम रात मेड़ो भरी सब लोग पधारो और सब अपनी सेवा करो। गुरु महाराज सब आपका आशीर्वाद प्रतिदिन महाराज धन्यवाद माता रानी सबको आशीर्वाद को दया दृष्टि नगरी पर खूब आनंद रखे सभी आयु अनुभव प्रसाद ग्रहण करके जाए। बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय। मंडल देना है कोई कहां पैसा आपको बहुत शुभ संदेश।